आप आ गए? हाँ, सब खैरियत तो है ना? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है सेब? वहां पर सब ठीक है ना? शादी मेरा ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हैं ना? बताएं मुझे, आप झूठ बोल रहे हैं ना? आपने उन्हें बचाया क्यों नहीं? आप ही जानते थे ये आपकी साजिश है, ये सब की साजिश है। क्या करो सुलेखा? सॉरी। कैसर, उठो कैसर। क्या हो गया फौजूर? परसों बात तो इतने मजे की नींद आई थी। एक मोहरा गिरा के गाफिल मत हो जाओ, अभी पूरी बिसात बाकी है। फतह के जश्न में कैसर हवेली पर चरागा तो करने दे। चरागा होगा, जरूर होगा, मगर कैसर हवेली में नहीं, पीरापुर में। पीरापुर में? समझा नहीं। चरागा में दिए नहीं, घर जलने चाहिए। कहना क्या चाह रही हैं आप? क्या खुशी ने तुम्हारी अकल को बिल्कुल ही मफलूज कर रखा है? एक चिंगारी भड़क रही है, एक ही फूंक में पीरापुर के वो तमाम घर जला डालो जिन्होंने तुम्हें पीर तस्लीम नहीं किया, जिन्होंने मुझे ठुकरा कर जहां आरा को बादशाह बेगम मान लिया। यही मौका है उनकी अकल ठिकाने लगाने का। लेकिन सल्तनत जला देंगे तो हुकूमत किस पे करेंगे? जब जंगल में आग फैलती है, पुराने दरख्त जलते हैं, तभी उनकी जड़ों से बीज को दोबारा सर उठाने का मौका मिलता है। जाओ कैसर, पीरापुर को जला डालो। सब लोग ये क्या कर रहे हैं, पागल हो गए? पीरापुर का पीर मर गया है हुजूर, दुश्मन इस वक्त पूरा फायदा उठाएगा। इसका तो पीरापुर चलकर राख हो जाएगा, बहुत सारी जानें चली जाएंगी, क्या करें? इस वक्त सिर्फ एक ही हस्ती है जो ये सब रोक सकती है, बादशाह बेगम।